वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। ये बेसिकली व्रत वाले लोग यूज करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए साबूदाना, मैंने भिगो के रखा हुआ था। साबूदाना आप एक कटोरी ले रहे हो तो एक कटोरी पानी में उसे भिगो के रखना है लगभग एक घंटे के लिए। चीनी एक कटोरी और कैशू नट्स, मैं बादाम यूज कर रही हूँ और मूंगफली यूज कर रही हूँ। आप लोग काजू पिस्ता अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक साइड मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लिया है। दूध इस तरह से लेना है जितना साबूदाना है उसका डबल आपको दूध यूज करना है। ये देखिए दूध मैंने बॉईल कर लिया है। दूध के उबलने पे आपको इसमें डाल देना है साबूदाना। सारा मैंने डाल दिया है साबूदाना। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें, जितना आप साबूदाना यूज करेंगे उससे डबल आपको दूध यूज करना है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अब ये हमारा जो साबूदाना है ये भी अच्छे से पक चुका है 20 मिनट में। ये देखिए जो साबूदाना होता है आपका, जब ये पक जाता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर देने लग जाता है। अब आपने इसमें क्या करना है, स्वाद अनुसार चीनी यूज करनी है। मैं इसमें हाफ चीनी, ज्यादा नहीं खाती हूँ, मीठा मुझे कम पसंद है, इसलिए मैंने हाफ कटोरी चीनी यूज की है। इसके बाद हमने लास्ट में इसमें कैश्यू नट्स डाल देने हैं ताकि वो भी इसमें पक जाए। मैंने कैश्यू नट्स को काटा था थोड़ा थोड़ा, और मूंगफली आप डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। एक दो बॉइल होने पर ये आपका साबूदाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग चाहें तो केसर यूज कर सकते हैं, इलायची यूज कर सकते हैं। एक बॉईल आने देते हैं इसमें। ये देखिए आपकी बॉईल आने शुरू हो गई है और ये बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैं इसे बाउल में निकाल ले रही हूं। जिसको गाढ़ा पसंद है वो इसे गाढ़ा भी कर सकता है। मुझे थोड़ा सा दूध वाली खीर टाइप ज्यादा पसंद है। ये देखिए बिल्कुल, अब चाहे तो मैं इसे कैशू नट से लास्ट में सजा भी सकती हूँ। कैसी लगी आपको ये हमारी खीर की रेसिपी जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और सजेशन बॉक्स में सजेशन जरूर दें। और यदि आपको ये रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो बताएं। Bye-bye, take care.